हाँ भैया, कितने पैसे हुए तेरे? मैम 500 रुपए हो गए। मैम साहब, ये UPSC की किताब है ना, इसका मतलब आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो? हाँ, लेकिन तुझे बड़ा पता है UPSC की कोचिंग के बारे में। हाँ, मैं भी UPSC की तैयारी करता हूँ ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? UPSC? इसके मुँह से UPSC का नाम सुन के कितना गंदा लग रहा है ना, वार कहीं का। और वैसे एक बात बता, तुझे कौन से कोचिंग ने एडमिशन दे दिया UPSC की तैयारी करने के लिए? वो क्या है ना मैम साहब, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, मैंने एक कोचिंग सेंटर के ना सारे नोट्स बना रखे हैं। थोड़े बहुत डाउट है लेकिन ठीक है। क्या कहा, नोट्स बना रखे हैं? अरे UPSC की फुल फॉर्म भी पता है क्या तुझे? यूनियन पब्लिक सर्विस। बस रहने दे, मुझे सब पता है कि तुझे कुछ नहीं पता, गवार कहीं का। और वैसे भी हमें सपने उतने ही देखने चाहिए जितने सपने हम पूरे कर सकें। तुम जैसे लोग ना ये साफ सफाई और कूड़ा कचरा उठाने के लायक हो। बड़ा आया UPSC की तैयारी करने वाला। मैम आप ये क्या बोल रहे हैं? ओए, अब तू हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा? माफ कीजिएगा मैम साहब, लेकिन मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैं तो बस आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई पे तो सबका अधिकार है ना, हमारा भी अधिकार है। और मेरे माँ बाप तो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा इंसान बनूं और एक अच्छी नौकरी करूं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुमने कितनी पढ़ाई करी है। तुझे पता है हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है? इतनी पढ़ाई करी है कि जितनी तुम्हारे पूरे खानदान ने नहीं की होगी। और तुझे पता है हमने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से की है? इंग्लैंड से। ओ शिट, मैं भी किसे समझा रही हूँ यार, इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लैंड नाम का कोई देश भी है। ये तो कभी अपनी झुग्गी झोंपड़ियों से बाहर गया नहीं होगा, है ना? मैम अब आप लोग बदतमीजी कर रही हैं। अबे ओ, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात बता, तेरे पेरेंट्स को पता है कि तू ये सब करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? एक मिनट, ये नोट्स है ना तेरे? हाँ हाँ मैम साहब, मैंने खुद बनाए हैं, आपको देखने हैं? ला दिखा। ऐसे लोगों को ना अपनी औकात में रहना चाहिए, समझे? और सुन मेरी बात, अभी तो तेरे ये नोट्स फाड़े हैं, अगर आइंदा से हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, ये जो तू काम करता है ना साफ सफाई का, ये भी बंद करवा दूंगी। आया बड़ा UPSC की तैयारी करने वाला, चल निकल यहाँ से। यार बस जल्दी से ना ये बिल्डिंग बन जाए, फिर अपने सभी दोस्त मिलके इसमें पार्टी करेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यार हम लोग ये जो गैरकानूनी जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर कल को कोई दिक्कत आ गई तो? अरे यार कुछ नहीं होता, तो इस बात की टेंशन क्यों ले रही है? तुझे पता ना यहाँ पे मेरे पापा की बहुत चलती है, और चलेगी भी क्यों ना, मेरे पापा यहाँ के सारे ऑफिसर्स को पैसा खिलाते हैं, तो मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ बात तो तू सही कह रही है, लेकिन यार मैंने सुना है कि यहाँ पे एक नया जिला कलेक्टर आया है और वो बहुत ईमानदार है, और उसने यहाँ पे जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं ना सारे बंद करवा दिए हैं। अरे तू पागल है क्या, ऐसे जिला कलेक्टर मेरे पापा के आगे पीछे घूमते हैं क्योंकि वो उनको पैसा खिलाते हैं। लेकिन यार। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुझे इस बात की टेंशन लेने कि ना कोई जरूरत नहीं है, और हम ये काम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, इससे पहले भी तो हमने गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाई है, तो इस बात की टेंशन मत ले। यार वो हमारी प्रॉपर्टी पर कौन है? हाँ यार चल आजा देखते हैं। चल। ओए तुम दोनों ये कहाँ घुसे जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी प्रॉपर्टी है, और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऐसे नहीं घुस सकते। आप पागल हो गई है क्या, आपको पता भी है ये कौन है? तूने मुझे थप्पड़ मारा, कौन सी तोप है ये? ये यहाँ के नए जिला कलेक्टर हैं। क्या जिला कलेक्टर? I'm sorry सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ के जिला कलेक्टर हो, नहीं तो मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करती। लेकिन सर आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। दिव्या ये तो वही है ना जो हमारे घर कुछ साल पहले स्विमिंग पूल साफ करने के लिए आए थे, जिसके तूने नोट्स फाड़ दिए थे? अरे हाँ आप तो वही हो ना जो हमारे स्विमिंग पूल की सफाई किया करते थे। हमें तो पता ही था आप एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, और देखो आज आप एक जिला कलेक्टर बन गए, बहुत प्राउड की बात है ये। आज आप लोगों को ये प्राउड फील हो रहा है? मैं बताऊं आप लोगों को ये प्राउड फील क्यों रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ये जमीन मैं आपको ले जाने दूं, जिस पे आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, राइट? हाँ बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये प्राउड आपको उस दिन क्यों नहीं फील हुआ जब मैं आपके वहाँ सफाई करता था? उस दिन तो आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, आपको याद है आपने मुझे उस दिन क्या कहा था? आपने कहा था कि हम जैसे लोग साफ सफाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को या तो ड्राइवर होना चाहिए या साफ सफाई करने वाला या फिर चाय बेचने वाला। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए आपको बता दूं, हर शख्स जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है वो अपनी मेहनत और लगन से बन सकता है। मुझे देखिए, मैंने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन आप लोग इस चीज से कभी खुश नहीं होंगे, आप तो बस खुश होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जमीन चाहिए जिस पे आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मुझे तो लगा था कि आप लोग बदल चुके होंगे, इतना टाइम बीत गया है, लेकिन आप लोगों के अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं आया, आज भी आप लोग वैसे के वैसे ही हैं, बदतमीज।
ये जमीन सरकार ने गरीबों को दी थी अपने घर बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने इस पे अवैध कब्जा कर लिया और उन्हें यहाँ आने ही नहीं दिया। इसलिए मैं आज आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग ये मत सोचना कि हर बार की तरह पैसे देकर इस बार भी बच जाओगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए। नहीं सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना एक बार, प्रदीप आप एक काम कीजिए, पास वाले थाने में कॉल कीजिए और महिला कांस्टेबल को बुलाइए। ये लोग छुटने नहीं चाहिए, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है। और चाहे इनके घर से कोई भी आ जाए, इनके माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। सर प्लीज, मैंने कहा ना एक बार, प्रदीप ले जाओ इन्हें। चलिए।